तो यहाँ पर देखो अपने यहाँ चांद का मोड़ टोल प्लाजा में एक गिट्टी गाड़ी है, मतलब यहाँ शायद नींद के घर में आके ये लोग घुसे थे। यहाँ पर मतलब पाकिस्तान बना हुआ टाइड का, तो वहाँ से जाके अंदर बोट के बगल में जस्ट बगल में चला गया, लेकिन शायद गाड़ी को नुकसान हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है, ऐसे दिख रहा है ऊँट थोड़ा बैंड हो गया। तो हम भाई अब चौथी टाइड लाए हैं, माल जो है गवाहाटी का है, तो हम लोग चांद कमर टोल प्लाजा के पीछे हैं, मतलब गाड़ी जो है उतनी खींच नहीं रही है, इसलिए हम यहाँ पर रुके, मालिक को इन्फॉर्मेशन दिए, मतलब गाड़ी बहुत कम खींच रहा है इसलिए मालिक को इन्फॉर्मेशन दिए थोड़ा। तो दिखने को मिला गिट्टिया गाड़ी है, तो दिखा दिए, तो आपको दिखा देंगे एक बार और। चांद की मोड़ टोल टच में आ चुके हैं, देख रहे हो तो ये पावर हाउस है और ये टोल है, दिखते हो बंदो रे टोल, ये देखिए ये गाड़ी टोल में सब रुकी जा रहा है। हम अगली फाइनल में आपको दिखा दूंगा, अभी चला रहे दोस्त, तो देख सकते हो फाइनल में हम टोल पार कर चुके हैं। आप दूसरी बार ये सामने देख रहे हो, जंगल है, ये कांटा है, आप दूसरी बार दिखाऊंगा जब थमूंगा बोस, बाय गुड बाय, अभी मैं यही शुरुआत है। जाने के बाद ब्रिज के एंट्री है, तो वहीं से जाम लग चुका है। अभी रात का बज रहा है, पुणे बज रहा है, और अभी ब्रिज के जस्ट 300 मीटर पीछे से ही जाम, मतलब पीछे रह गया इधर 200 मीटर तक फड़का टाउन चौड़ा है, वहीं से जाम लग चुके हैं ब्रिज तक, मतलब ब्रिज दिख रही है यहाँ से। तो मतलब हम लोगों को लगा था कि रायगंज तो पार कर लेंगे, तो अब देखते हैं क्या हादसे रहता है अपने साथ, अभी कोशिश रखेंगे रायगंज पार करने की, तो रायगंज पार करेंगे फिर देखेंगे कितना बचता है। तो चलो पहले फिर ब्रिज निकल जाए, कितना वक्त लगे क्या होता है उसके बाद आपसे बात करती है। ये देखो भाई कितनी दूर तक जाम पर ठीक है भाई, देखो कितनी दूर तक जाम पर, वो देखो वो बोर्ड है, वो बोर्ड से और भी 100 मीटर तक है, और पीछे तो कितना लगता है। तो गुड मॉर्निंग, सुबह अभी 5 बज रहे हैं, देख रहे हैं मतलब गाड़ी भी अपनी स्पीड अच्छी नहीं पकड़ रही है, मतलब गाड़ी में मसला है, गाड़ी भी खींचती ही नहीं है, मतलब गाड़ी का काम करवाना है, गाड़ी में बहुत बड़ी बीमारी लग चुकी है, गाड़ी थकान नहीं रही है बिल्कुल, नहीं था रात से ऐसे चल रहे हैं हम, गाड़ी गाड़ी चल पा बहुत रुक गए थे, देख सकते हैं अभी मतलब सुबह के 5 बजे है, सोचा कि चलो थोड़ा ठंडा मौसम अभी निकल रहे, ये देखो सूरज और मतलब सूरज भी निकल रहा है, तो आप समझ सकते हैं सूरज को देखते हैं मतलब अभी कितना बज रहा है, जैसे कि अभी सूरज निकल रहा है वहाँ पर, देख कर समझ सकते हैं अभी कितना बजा, और भाई गर्मी हो रही थी तो मैं तमीज उतर कर सो गया था, वहाँ पर सीट पर सो गया था, चलते आगे नहीं यार चलो यार मतलब गाड़ी तो बढ़ाया जाए, और जैसे देखिए आराम लगा दे करेंगे फिर वहीं पर रुकेंगे, चाय साय पियेंगे, मतलब अब रायगंज तक पकड़ रखेंगे, और इस बंदे को देख रहा हूँ कैसे देखिए कैसे लेटा हुआ है, मतलब कल रात तो अभी इसी तरह लेटा हुआ है, और मैं 5 नंबर में अभी गाड़ी खींच रहा हूँ, मतलब 5 नंबर में गाड़ी खींच रहा हूँ, तो इसलिए कि वो रायगंज RTO ना मिल जाए हमें, इसके चलते मैं अभी गाड़ी थोड़ा फिर से तो छोड़ दिया कि रायगंज पार कर ले पहले, फिर उसके बाद सोएंगे। तो गाइस फिर चलो रायगंज पार करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं वहीं पर रायगंज के पार होने के बाद।
तो फाइनली रायगंज का बाईपास चालू हो गया सुधर। पहले हम लोग इधर नीचे से होकर जाकर अंदर सिटी से उतर जाते थे, तो अब वो नौबत नहीं आएगी। अब चलो अलहमदिल्ला ये वाला चालू हो गया, तो मतलब अभी करीब तक दही रुट गया है। कैसे बात बनेगा, दही खाओ तो शरीर हेल्दी रहेगा। गाड़ी बाहर से जितना अच्छा, अंदर से तो बकवास, इंजन की ओर से बेकार। नाश्ता कर ले। सो गाइस, हम लोग तो इस्लामपुर के बाईपास में आ गए हैं। देखो इधर सिलीगुड़ी और 60 किलोमीटर रह गया, सामने सिलीगुड़ी 60 किलोमीटर और हम लोग किशनगंज से इधर से आ गए हैं। मतलब अभी देख लो सामान कपड़ा सब साफ करके सुखाने दिया और आशिक को अभी वहाँ पर खाना खा रहा है। तो गाड़ी का जो टायर है, मतलब गाड़ी जो भाई है बहुत बाहर से सही है, लेकिन अंदर से बहुत बकवास है। शायद ये टायर खा रहा है। ये देखो भाई, इसका सब टूटा हुआ है, इसमें जो होता है हाइड्रा वो भी टूटा हुआ है। और तो हम बाहर से दिखाते हैं, कुछ गाड़ी ऐसी दिखती है, मतलब बाहर से गाड़ी अच्छी जचती है, लेकिन अंदर से गाड़ी जो है उसकी शक्ति जो है बहुत कम चुकी है, मतलब बिल्कुल भी गाड़ी खींच नहीं रही है। और ये टायर चेक कर रहे हो, ये वाला यही वाला कमज़ोर टायर है अपने साथ, और पीछे लिप वाली गाड़ी है, पीछे से भी कुछ ऐसी दिखती है। देखो ऐसी दिखती है। तो भाई अभी हमने खाना खाया, अभी 3:30 बज रहा है। तो आई होप, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद। तो ब्लॉग आसाम ही होने वाला है, तो ज़रूर देखिएगा।